हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुवृक्ष। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था एब्जॉर्प्शन, जो कि फार्माकोकाइनेटिक्स का एक पार्ट था। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चारों चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ना है। एक चीज़ मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, एब्जॉर्प्शन। डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा बहुत आइडिया मैंने आपको पिछली वीडियो में दे दिया था, अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, जब वो ड्रग आपके ब्लड तक आ चुका था, अब ब्लड से वो आपके टिश्यूज़ तक जाएगा जहाँ पे उसको एक्ट करना है। यानी ब्लड फ्लो के थ्रू सर्कुलेट होके वो आपके टिश्यूज़ तक जाएगा। इस सर्कुलेशन, इस चीज़ को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ, इट इज़ डिफाइंड एज ट्रांसफ़र ऑफ ड्रग्स बिटवीन बॉडी फ्लूड कंपार्टमेंट्स। बॉडी फ्लूड कंपार्टमेंट्स का क्या मतलब हुआ? एक कंपार्टमेंट हमारा ब्लड वेसल हो गया, एक कंपार्टमेंट हमारे टिश्यूज़ हो गए। यानी ब्लड वेसल फर्स्ट कंपार्टमेंट से टिश्यूज़ सेकेंड कंपार्टमेंट तक जो ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब सपोज करिए डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो जहाँ पे उसको एक्ट करना है, वहाँ पे उसको पहुँचना है। सपोज करिए आपके लीवर तक उसको आना है। अब ब्लड वेसल से लीवर तक आने के लिए उसको फिर दोबारा कुछ रास्ते क्रॉस करने होंगे। कौन कौन से रास्ते? ब्लड वेसल, मैंने आपको बताया था, सेल मेम्ब्रेन की बनी हुई है। लीवर, लीवर भी एक टिश्यू है, वो भी सेल मेम्ब्रेन का बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? ब्लड वेसल से जहाँ पे उसको एक्ट करना है, सपोज लीवर, मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया, वो कुछ भी टिश्यू हो सकता है, आपका पेनक्रियाज हो सकता है, आपका गॉल ब्लैडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लीवर जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? ब्लड वेसल से लीवर तक जाने के लिए अगेन उसको मेम्ब्रेन क्रॉस करनी होगी। ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन, लीवर की मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या हुआ? जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होंगे वो आसानी से चले जाएंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट जो पहले था, लिपिड क्रॉस लिपिड, वाटर क्रॉस वाटर। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे दोबारा हम अप्लाई करेंगे। जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स है वो आराम से ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इसका मतलब उनका डिस्ट्रीब्यूशन हाई होगा। जो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स है वो आसानी से क्रॉस नहीं कर पाएंगे, यानी अब उनका डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। यानी जो एब्जॉर्प्शन में मैंने बोला था कि लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स विल बी एब्जॉर्ब ईजिली, सिमिलरली मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ कि लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स हैव हाई डिस्ट्रीब्यूशन, इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा, और जो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। अब एक चीज़ समझिए, आपके ब्लड में कोई ड्रग है, ड्रग एक छोटा सा मॉलिक्यूल है। सपोज करिए वो ड्रग एक छोटा सा मॉलिक्यूल है। फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे ब्लड वेसल्स है उसके अंदर ब्लड है, ब्लड के अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं। अब अगर वो ड्रग जो एक छोटा सा पार्ट था आपके प्रोटीन के साथ जुड़ जाए, यानी एक छोटी चीज़ दूसरी छोटी चीज़ के साथ जुड़ जाए, तो वो क्या होगा? बड़ी चीज़ हो जाएगी। अब एक पाइप है, उससे पानी बह रहा है, उसमें हल्के हल्के पोर्स हैं, उसमें बड़ा चीज़ क्रॉस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। छोटी चीज़ क्रॉस कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाते हैं। आपका ब्लड वेसल है, उसके अंदर ब्लड है, ब्लड के अंदर प्रोटीन है, ड्रग एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड वेसल में आ चुका है, वो ड्रग उस प्रोटीन के साथ जुड़ गया, यानी जो छोटा सा ड्रग था अब वो बड़ा हो गया। क्या वो अब आराम से क्रॉस कर पाएगा? वो आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। जो एक पानी के पाइप के साथ हुआ था वही चीज़ हम यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो ड्रग्स जिनकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है, यानी ड्रग्स विद हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने टोटल तीन चीज़ें आपको बताई कि जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, वाटर सोल्यूबल ड्रग्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, और जो ड्रग्स जिनकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अब एक बात समझिए, ड्रग को एक्ट करने के लिए टिश्यू तक पहुंचना होगा। अब मैंने बोला था कि ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर कम है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो टिश्यू तक नहीं पहुंचा, यानी ब्लड में ही है। अगर ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है, इसका मतलब क्या हुआ? वो कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ। कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ मतलब टिश्यू में कम गया, यानी ब्लड में ज़्यादा रुका। यानी मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है वो प्लाज्मा में ही है, सिंस देयर इज वेरी लेस डिस्ट्रीब्यूशन, सो लेस अमाउंट ऑफ ड्रग इज गोइंग टू द टिश्यूज। इस चीज़ के लिए हम एक फॉर्मूला बनाते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अमाउंट ऑफ ड्रग गिवन बाई आईवी रूट अपॉन प्लाज्मा कंसेंट्रेशन। ये इसका फॉर्मूला होता है, तो ये बार बार पूछा जाता है, इसको हमें याद करना होगा। यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ? अमाउंट ऑफ ड्रग गिवन बाई आईवी रूट अपॉन प्लाज्मा कंसेंट्रेशन। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें हमने समझी। मुझे लग रहा है आप लोगों को अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, एक बार मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ। अगर कोई ड्रग लिपिड सोल्यूबल है,
तो वो आसानी से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर कोई ड्रग वाटर सोल्यूबल है वो बहुत ही मुश्किल से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर कोई चीज़ मुश्किल से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इसका मतलब वो टिश्यू तक नहीं पहुंच रही है, वो हमारे ब्लड में ही रह जा रही है और वो एक्ट नहीं कर पा रही है, वो तो हमारे लिए वेस्ट हो गया। बट इस चीज़ का एक जगह हमें फ़ायदा मिलता है। एक ड्रग है क्लोरोक्वीन, किस चीज़ की ड्रग है? ये एक मलेरिया की ड्रग है। इस क्लोरोक्वीन का एक बहुत बड़ा फ़ायदा क्या है, इसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मतलब क्या हुआ, टिश्यूज़ में बहुत ज़्यादा जा रहा है, बहुत ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब ब्लड में कम रुक रहा है। अब सपोज़ करिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो मलेरिया का पैरासाइट है, जो मलेरिया का पैरासाइट है वो ब्लड में रहता है, आरबीसीज़ के अंदर रहता है। और आरबीसीज़ कहाँ हैं? वो तो आपके ब्लड में है। इसका मतलब ड्रग को काम करने के लिए मलेरिया के खिलाफ ब्लड में ही रहना होगा, उसको टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। बट क्लोरोक्वीन में क्या होता है, उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम वो लीवर में पहुंच जाता है। लीवर एक टिश्यू है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, ब्लड में तो बच ही नहीं रहा। तो मलेरिया का पैरासाइट फिर कैसे किल हो रहा है, वो तो हमारे ब्लड में है। इसका मतलब क्या होगा, एक बात समझिए, आप एक लेक में हैं, एक पानी की झील है, उसमें एक मगरमच्छ है। अब उस पानी की झील में आप कुछ ना कुछ खाना खाए जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, मगरमच्छ खाता जा रहा है। लेकिन मगरमच्छ की भी तो एक कैपेसिटी होगी कितना खाएगा, एक टाइम के बाद वो खा ही नहीं पाएगा, उसका पेट भर जाएगा। सिमिलरली लीवर के साथ होता है, लीवर की भी तो एक कैपेसिटी है कि कितना ड्रग वो अपने अंदर ले पाएगा, एक टाइम के बाद वो सैचुरेट हो जाएगा, भर जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वो चीज़ ब्लड में ही रह जाएगी। यानी अगर हमें ब्लड में क्लोरोक्विन की कंसेंट्रेशन बढ़ानी है तो हमें इतनी हाई डोज देनी होगी कि वो लीवर सैचुरेट हो जाए और वो हमारे ब्लड में ही रह जाए। सपोज करिए 900 यूनिट्स पे लीवर की कैपेसिटी फुल हो गई, हमने 900 यूनिट्स दिए क्लोरोक्वीन के और उससे क्या हुआ, लीवर की कैपेसिटी फुल हो गई डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद। अब सपोज़ करिए मैंने 1000 दिए क्लोरोक्वीन, तो 1000 में से 900 तो लीवर में गए, 100 कहाँ बचे, वो ब्लड में बचे। वो जो 100 होते हैं वो हमारे आरबीसी में जाते हैं और पैरासाइट को मार देते हैं। तो ये सिंपल सा फंडा हमने क्लोरोक्वीन ड्रग में यूज़ किया।